ऑक्टावी ओएस का काफ़ी मंथ यानी कि काफ़ी मंथ के बाद हमें जो है अपडेट देखने को मिल रहा है। आप कुछ कुछ डिवाइस के लिए अभी मिलना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे मी 11X के लिए भी देखने को मिला है। एंड्रॉयड 13 का ये फर्स्ट बिल्ड है ऑक्टावी ओएस की तरफ से। तो मी 11X एंड पोको एफ 3 और रेडमी के 40 जैसे कि सेम ही डिवाइस हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में लॉन्च हुए थे। तो यहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर हमें क्या कुछ मिलने वाला है। हालांकि कुछ चीज़ें मुझे मिसिंग भी अभी देखने को मिली हैं तो उनके बारे में भी बताऊंगा और फीचर एंड बग जो भी रहते हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा ही। बाकी इंस्टॉलेशन डिस्क्रिप्शन पे है और इसके अंदर मैं कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे पता चल जाए। आगे के जो अपडेट्स आए करेंगे उन पर भी मैं आपको बता दिया करूँगा जो भी न्यू होगा। फिलहाल इसमें हम देखते हैं क्या कुछ हमें मिलने वाला है। ऑक्टावी ओएस का हेडर इमेज आपको ऊपर मिल जाएगा। ऑक्टावी ओएस वर्जन 4.0 है ऑफिशियल। एंड्रॉयड 13 का ये अपडेट है और सिक्योरिटी पैच जनवरी 2023 के साथ में आता है। कर्नल देखें तो नेक्सस का वर्जन 12 वाला मिल जाता है और सेलिनक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग के साथ में ये आने वाला है, तो ये हमें देखने को मिल जाएगा। और ऊपर ही ऑक्टावी लैब मिल जाता है जो कि इसका पूरा कस्टमाइजेशन सेक्शन है, यहाँ पे आपको मिलेगा। तो स्टेटस बार से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक इंडिकेटर मिल जाएगा सबसे पहले एंड स्टेटस बार आइकन्स दिए गए हैं। यहीं पे वोल्टी आइकन भी दिया हुआ है और 100 4G आइकन के लिए मिल जाएगा। और यूज़ ओल्ड स्टाइल मोबाइल डाटा आइकन, 100 डाटा रिसेवल आइकन, रोमिंग इंडिकेटर, कलर स्टेटस बार आइकन मिल जाता है। क्विक सेटिंग में वाइब्रेट ऑन टच मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ पे डाटा यूजेस भी देखने को मिलेगा इसी के नीचे। एंड क्लियर ऑल नोटिफिकेशन बटन मिल जाएगा। सो स्क्विगल एनिमेशन जो दिया गया ये आपका मीडिया प्लेयर में जो एनिमेशन वेब टाइप से आता है जो उसको आप ऑन ऑफ कर पाओगे यहाँ से, तो ये उसके लिए दिया हुआ है। नीचे फिर टाइल्स के एनिमेशन से रिलेटेड जो सेटिंग्स वो आपको मिल जाती है। नोटिफिकेशन के अंदर अनोइंग नोटिफिकेशन रिटीकर मिल जाता है, रिटीकर आपका नोटिफिकेशन को रिडिजाइन कर देता है। नीचे इन कॉल वाइब्रेशन है और बैकअप ऑन चार्ज का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑक्टावी थीमिंग के अंदर सबसे पहले मॉनिट की सेटिंग मिल जाएगी, तो यहाँ से कस्टम कलर्स लगा पाओगे। फोन स्टाइल भी दिया हुआ है इसके अंदर में, तो ये काफ़ी सारे फोन स्टाइल हैं। आइकन पैक मिल जाएगा, सिग्नल आइकन स्टाइल भी देखने को मिल जाएगा, वाईफाई आइकन स्टाइल भी दिया हुआ है, आइकन शेप भी मिल जाता है काफ़ी सारे, और डार्क थीम मिल जाता है। इसके अंदर ही आपको कस्टम जो कि थीम के भी ऑप्शन मिलते हैं जो कि इनेबल करने के लिए बाद यहाँ पे आप जो है आप प्योर ब्लैक यूज़ करना है, क्लियर वो सब आप यूज़ यहाँ पे कर पाओगे, थीम के ऑप्शन मिलते हैं। नीचे लॉक स्क्रीन की जो क्लॉक आपको मिलती है उसमें आप कस्टम कलर लगाना चाहो तो इसको इनेबल करके सिंपली कस्टम कलर लगा पाओगे, तो ये भी मिल जाएगा। वॉल्यूम पैनल के अंदर वॉल्यूम पैनल लेफ्ट के लिए दिया गया और वॉल्यूम पैनल को जो टाइम आउट है वो सेट कर पाओगे इसके अंदर। वहीं नीचे जो नेविगेशन मेन्यू दिया गया अब इसमें अंदर आने के बाद बटन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जबकि बाकी सेटिंग में ऐसा नहीं था। इसके अंदर अब ऐसा मैं भी आगे के अपडेट में फिक्स हो जाए, तो ये चीज़ फिलहाल यहाँ पे मुझे देखने को मिला है। नेविगेशन मेन्यू के अंदर में बटन शो कर रहा है यहाँ पे सेटिंग, उसे टॉगल टॉर्च यहाँ पे मिल जाता है, कीबोर्ड कर्सर म्यूजिक कंट्रोल वॉल्यूम रोकर बैक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे। एंड जेस्चर के अंदर में जाते हैं तो यहाँ पे डबल टैप स्लीप मिल जाएगा जो कि स्टेटस बार और लॉक स्क्रीन दोनों के लिए दिया हुआ है सिर्फ अभी यहाँ पे यही है। और बाहर में यहाँ पे पावर मेन्यू के अंदर एक तो डिसेबल करने के लिए मिल जाता है ऑप्शन जिसमें पावर मेन्यू को आप डिसेबल कर सकते हो लॉक स्क्रीन में, और एडवांस रिबूट के और कुछ शॉर्टकट के ऑप्शंस वो सब आपको मिलते हैं यहाँ पे। लॉक स्क्रीन के अंदर जाते हो तो फिर यहाँ पे एज लाइटिंग देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप सेट कर पाओगे। पल्स मिल जाएगा, डबल टैप बैक मिल जाता है, लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो है और डिसेबल रिपल इफेक्ट यानी कि जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन है उसको ऑन ऑफ कर पाओगे। और अगर आपको लॉक स्क्रीन क्लॉक पे फॉन्ट लगाना है तो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। कलर को वहाँ पे दिया हुआ है, फॉन्ट का यहाँ पे दिया हुआ है। मैं भी आगे के अपडेट में धीरे धीरे चेंज होगा लेकिन अभी फिलहाल इस तरीके से मिल रहा है। काफ़ी सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर लेना, आपको जो भी चेंज करना होगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट्स देखने को मिलते हैं। नीचे स्क्रीन ऑफ यहाँ पे UDFS जो दिया गया है अंडर डिस्प्ले वालों के लिए, हमारे लिए नहीं है तो इसको इग्नोर ही करो। बाकी फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन एरर वाइब्रेशन मिल जाएगा नीचे। और मिसलिनस में टोस टैप आइकन दिया, इग्नोर सिक्योर फ्लैग जो कि आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीन शॉट के लिमिट रिमूव कर देता है। और यहाँ पे एंड्रॉइड पी जो एनिमेशन दिया गया नॉर्मल कुछ इस तरीके से, और इनेबल करने के बाद कुछ इस तरीके से एनिमेशन मिलता है, एनिमेशन चेंज कर पाओगे। ऐप लॉक यहीं पर दिया हुआ है तो ये ऐप आपका ये जो है यहीं से आप यूज़ कर पाओगे। ऑटो लॉक टाइम आउट ये सब भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। सेंसर ब्लॉक पर पैकेज भी दिया गया है। नीचे फिर अनलॉक हायर FPS गेम मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स पो भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज दिया गया है गूगल फोटो के अंदर ये काम नहीं कर रहा है। काफ़ी बार ऑन ऑफ करके देखा, डिवाइस रिस्टार्ट करके गूगल फोटो अपडेट करके भी देखा, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। नीचे फोर स्टॉप बटन फिर देखने को मिल जाता है। ये कुछ चीज़ें मिलती हैं। वहीं नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर जाते हैं सिम में, तो यहाँ पे प्रेफर्ड नेटवर्क आपको 3G 4G और 5G का देखने को मिल जाएगा। वाईफाई कॉलिंग इनेबल कर लेना, काम करता है वाईफाई कॉलिंग।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और हॉटस्पॉट की अगर बात करें तो ये भी अच्छे तरीके से काम करा, अलाउ क्लाइंट टू यूज वीपीएन, ये सब मिल जाता है। बैंड चेंज करने के लिए अभी फिलहाल नहीं है इसके अंदर में, और यहाँ पे प्राइवेट डीएनएस नॉर्मल ही है। और कनेक्टेड डिवाइसेस की अगर बात करें तो कास्ट भी इसके अंदर काम कर रहा, फर्स्ट टाइम में कनेक्ट हो गया है तो कास्ट को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। वहीं ऐप्स की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे जो है असिस्टेंट मिल जाएगा जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ओके गूगल आप यूज़ कर पाओगे। डिफ़ॉल्ट ऐप्स में आपको यहाँ पे ओक्टावी का ही लॉन्चर मिलता है, आइकन की सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाएगी, और फिर होम स्क्रीन की दी गई है, डार्क स्टेटस बार, डबल टैप स्लीप हो गया, वॉलपेपर स्क्रॉलिंग एंड जूमिंग का मिल जाएगा, एट ग्लेंस की सेटिंग्स है, हॉट सीट बैकग्राउंड हो गया जो कि डॉक पे बैकग्राउंड मिलेगा, नीचे गूगल सर्च बार के लिए मिल जाता है। ऐप ड्रॉअर दिया गया, थीम्ड आइकन मिल जाएगा, रो हाइट और बैकग्राउंड ओपेसिटी कंट्रोल कर पाओगे। उसी तरीके से रीसेंट में भी बैकग्राउंड ओपेसिटी है, स्क्रॉल पे वाइब्रेशन होगा आपके रीसेंट पे। नीचे आपको क्विक एक्शन के लिए कुछ शॉर्टकट मिल जाते हैं। एंड मिसलिनस के अंदर टास्क बार दिया गया जो कि बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। टास्क बार में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप स्प्लिट स्क्रीन यूज करना चाहो, ऐप ड्रॉअर इसका यूज करना चाहो, या फिर इसे आप हाइड करना चाहो, वो सब भी आप यहाँ पे आराम से कर पाओगे। टास्क बार के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से जो है आपका काम करता है। काफ़ी सारे वीडियो में उसे इसके बारे में बता चुका हूँ, फिलहाल यहाँ पे आपको मिलेगा तो सब कुछ उसी तरीके से, लेकिन काम कर रहा है तो ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये बिल्कुल काम कर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको हम क्लियर करते हैं, चलते हैं वापस से मिसलेनियस के अंदर में। तो यहाँ पे लॉन्चर के मिसलेनियस में जाने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें और मिलती हैं। एक तो आपका हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप मिल जाता है जो कि यहाँ के ऐप लोग ना यूज़ करो तो बेटर ही है, सिक्योरिटी के अंदर जो दिया है उसको यूज़ करो। बैकग्राउंड ब्लर के लिए भी नीचे ऑप्शन मिल जाता है, तो ये चीज़ें आपको इसके लॉन्चर में मिलेगी। वहीं नोटिफिकेशन की सेटिंग्स आपकी सभी काम कर रही हैं अच्छे तरीके से, इनमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है, ये बिल्कुल वर्किंग मिल जाता है। और अब चलते हैं बैटरी की सेटिंग्स की तरफ, तो यहाँ पे थर्मल प्रोफाइल मिल जाता है, तो यहाँ से अब आप किसी भी एप्लीकेशन का थर्मल प्रोफाइल चेंज कर पाओगे। एंड बैटरी यूजर्स है, रीसेट के लिए भी ऊपर आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्लियर करने के लिए बैटरी यूजर्स। बैटरी सेवर है, रिड्यूस रिफ्रेश रेट भी इसके अंदर है, अडेप्टिव बैटरी मिल जाता है, और बैटरी परसेंटेज अभी फिलहाल यहीं से ऑन ऑफ करना पड़ेगा, और नीचे बैटरी टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी बैकअप 2 आवर, 80% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 92% तक देखने को हमें इसके अंदर मिला है। एंड साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर में पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है, इसी के अंदर दिया हुआ है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी यहीं पे है। हालांकि इसके अंदर आपका यहाँ पे रिंगटोन जो है सेट कोई भी नहीं रहता, तो आप अपने हिसाब से अपना सेट कर लेना। एंड मीडिया पूरा लेटेस्ट सेटिंग्स के साथ में आता है, लेटेस्ट लेआउट देखने को मिलेगा। और जैसे कि सभी मैं आपको बताता हूँ मीडिया के लिए कि यहाँ पे वॉल्यूम स्लाइडर जो मीडिया का है, बाकी तो आपको स्मूथ मिल जाते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे स्मूथ है, लेकिन जो वॉल्यूम स्लाइडर अभी लेटेस्ट में जो है सभी डिवाइस के अंदर ज़्यादातर देखोगे तो ये जो लैग यहाँ पे स्लाइड करते टाइम होता है ये इसके अंदर भी आपको मिलेगा, और सभी में ही हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल तो ये फिक्स नहीं है किसी में भी लेटेस्ट में। एंड वाइब्रेशन हैप्टिक अच्छे से काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी देखोगे नोटिफिकेशन भी सेट नहीं है, तो सेट कर लेना नोटिफिकेशन साउंड। नीचे फिर बाकी के साउंड के ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे टच साउंड ये सब दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट शटर साउंड मिल जाएगा। एंड डायरेक्ट साउंड इनहेंसर की अगर बात करें तो ये बिल्कुल काम कर रहा है, हाई फाई या फिर सेलेक्ट सीन, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और लेटेस्ट प्रीसेट्स के साथ में ये रहने वाला है, डायरेक्ट साउंड पूरी तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। एंड नीचे फिर क्लियर स्पीकर भी मिल जाता है जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और डिस्प्ले के अंदर में आपको यहाँ पे जो है अडेप्टिव ब्राइटनेस मिल जाता है, लॉकिंग की बात करें तो डबल लाइन क्लॉक है, अम्बिन म्यूजिक टीकर मिल जाएगा, ऑलवेज शो टाइम इन्फो मिल जाता है, ये भी काम कर रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। बैक इन्फो नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, डार्क थीम यहाँ पे भी दिया गया, वॉलपेपर जूम इफेक्ट भी है, और यहाँ पे कलर्स के ऊपर नाइट लाइट होना चाहिए जो कि इसके अंदर अभी मिसिंग है, नाइट लाइट हमें नहीं मिलता इसके अंदर अभी। वहीं कलर मिल जाता है, रोटेशन है, फुल स्क्रीन ऐप्स देखने को मिल जाएगा, और रिफ्रेश रेट के लिए भी मिनिमम और मैक्सिमम के लिए है। बॉल यहाँ पे ब्लर के लिए आप ऑफ कर देना ब्लर को, हालांकि अम्बेंट डिस्प्ले है, टैप टू बैक काम करा, पैरा ऐप रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। अब यहाँ पे नीचे वॉलपेपर स्टाइल के अंदर में, हालांकि जो वॉलपेपर इसके साथ में आता है वो डिफॉल्ट वाला ही सेट है जो इसके साथ में आता है, और वॉलपेपर बेसिक कलर है, कस्टम थीम आइकन भी इसके अंदर दिया हुआ है। वहीं ये देखोगे इसका जो ग्रिड है वो काफ़ी सारे मिल जाते हैं, इनमें दिक्कत नहीं है। असिस्टेंट के अंदर भी एक चीज़ मिसिंग है, एक्स्ट्रा डीम इसके अंदर नहीं मिलता, एक्स्ट्रा डीम अभी फिलहाल मिसिंग है इस अपडेट के अंदर फर्स्ट बिल्ड में अगर हम देखें तो। एंड सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बता दूं, मैं डिक्रिप्ट करके हमेशा इंस्टॉल करता हूँ, इसको भी इंस्टॉल किया हूँ, और ऐप लॉक इसके अंदर भी यहाँ पे मिल जाता, तो यहीं वाला ऐप लॉक यूज़ करना, सिक्योरिटी वाला ना यूज़ करना। एंड यहाँ पे पैटर्न साइज आपको मिल जाता है, साथ साथ पिन ऐड करोगे तो स्क्रैम्बल लेआउट भी उसे मिलेगा, और फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट दोनों देखने को मिल जाता है फर्स्ट बिल्ड के अंदर में, और दोनों अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, दोनों में ही आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आप देखोगे तो फेस अनलॉक भी बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, और जैसे कि बताया इसके अंदर आपको स्क्रैम्बल लेआउट मिल जाता है, क्विक अनलॉक भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्क्रैम्बल लेआउट से आपका यही जैसे कि नंबर पोजीशन चेंज हो जाता है, जितनी बार अनलॉक करने आओगे तो नंबर पोजीशन आपको चेंज मिलता है, पिन ऐड करना पड़ता है, तभी ये स्क्रैम्बल लेआउट आपका शो करेगा सेटिंग्स के अंदर में।
ये कुछ चीज़ें मिलती हैं सिक्योरिटी में। नीचे फिर सेफ्टी इमरजेंसी मिल जाएगा, नॉर्मली जो सभी में सिमिलर ही होता है। डिजिटल वेलबिंग भी आपको मिल जाएगा। एंड सिस्टम के अंदर लैंग्वेज में जाते हैं तो यहाँ पे ऐप लैंग्वेज मिल जाती है, एक ही फिलहाल यूट्यूब का लाइव ट्रांसलेट काम करता है। बस यहाँ पे लैंग्वेज आपको डाउनलोड अपनी करनी पड़ेगी जिससे आप ट्रांसलेट करना चाहो। एंड जेस्चर के अंदर क्विकली ओपन कैमरा है, सिस्टम नेविगेशन मिल जाता है और इसकी सेटिंग्स जेस्चर के अगर देखोगे तो फुल स्क्रीन जेस्चर ऊपर आपको मिलता है जिससे फिल हाइड हो जाएगा और कीबोर्ड के नीचे का जो स्पेस है वो भी हाइड हो जाता है। बाकी नॉर्मल सेंसिटिविटी सेटिंग्स मिलती है और 2 बटन पे भी नॉर्मल है। 3 बटन पे आपको लेआउट चेंज करने के लिए मिल जाता है। 3 बटन अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे लेआउट आप इसका मिरर एक तरीके से कर सकते हो। एंड 100 मोड है, डबल टैप चेक फोन मिल जाता है और प्रेस एंड होल्ड पावर बटन में आपको पावर मेन्यू असिस्टेंट मिलेगा और लास्ट में स्वाइप टू स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाता है, जो कि ये भी अच्छे से काम कर रहा है। और डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लेता हूँ इसके अंदर क्योंकि उसमें आपको हाइड नो हालांकि इसके अंदर हमें फर्स्ट बिल्ड के अंदर ही मिल जाता है और किस तरीके से रहेगा वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो हम चलते हैं यहाँ पे और इसके डिस्प्ले कटआउट में देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं लेकिन ये जो है हाइड नोच मिल जाता है और कुछ इस तरीके से ये हाइड होने वाला है तो ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। और अब बात करते हैं एनिमेशन को लेकर के, तो एनिमेशन में हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रोम के अंदर एनिमेशन को लेकर के प्रॉब्लम नहीं होगा और यहाँ पे एनिमेशन में कोई दिक्कत नहीं है। पावर मेन्यू एडवांस रिस्टार्ट सब आपको मिल जाता है इसके अंदर में। एंड आइकन भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे ब्लूटूथ देखोगे तो ब्लूटूथ का नॉर्मल मिल जाता है। अगर हम टाइल्स की बात करें बाकी के टाइल्स की तो यहाँ पे काफ़ी सारे टाइल्स आपको मिल जाते हैं। वहीं पर आपको यहाँ पे नीचे जाओगे तो यहाँ पे FPS इन्फो का भी दिया गया है, डायरेक्ट साउंड डॉल्बी ये सब भी मिल जाएगा। और इंटरनेट वाला ऐड करके एक बार दिखा दूँ, इंटरनेट का जो टाइल अभी नॉर्मल मिलता है यानी कि हॉटस्पॉट अभी इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नॉर्मल ही है काफ़ी, यानी कि सेटिंग्स एक्स्ट्रा नहीं मिलती जो अभी फिलहाल लेटेस्ट में हमें मिल रही है तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद में भी आपका नॉर्मल ही बिल्कुल एनिमेशन रहता है। वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम पैनल एक्सपेंड वाला आता है इसके साथ में और ऐप ओपनिंग के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, एनिमेशन अच्छा है, स्मूथ है, ऐप ओपनिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसके अंदर नीचे आपको स्क्रीनशॉट क्लियर ऑल मिल जाएगा और स्प्लिट स्क्रीन भी अच्छे से यूज़ कर पाओगे। स्प्लिट स्क्रीन के अंदर में भी आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है, ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे। और इसके अंदर कैमरा बिल्कुल नॉर्मल वाला देखने को मिल जाता है तो GCam ही इंस्टॉल कर लेना, काफ़ी अच्छा रहेगा और काम भी कर जाता है तो GCam में ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बट इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट आता अभी फिलहाल तो नॉर्मल है, आगे जाके साथ तक अपर्चर हो या फिर लाइका वाला भी ऐड हो सकता है लेकिन अभी फिलहाल नॉर्मल ही मिलता है। एंड डॉल्बी एटमोस बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वह गूगल फोटो के अंदर में अनलिमिटेड स्टोरेज का, जो कि जैसे कि बताया वहाँ से सेटिंग इनेबल भी है बट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है, तो ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे मिली है जो कि अभी फिलहाल अभी हम कुछ कह नहीं सकते, फर्स्ट बिल्ड है इसका, आगे जाके चेंज ज़रूर होगा, आगे तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी चेंज होनी है तो आगे के अपडेट में साथ तक फिक्स हो जाए। लेकिन फर्स्ट बिल्ड में अभी फिलहाल तो जो जो चीज़ें आपको बताया, वो बग जो प्रॉब्लम बताया वो चीज़ अभी मिल रही हैं। वहीं प्ले स्टोर बाय डिफॉल्ट सर्टिफाइड आता है इसके अंदर में, सेफ्टी नेट को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगा, सेफ्टी नेट इसके अंदर बाय डिफॉल्ट पास आता है, बैंकिंग ऐप आराम से यूज़ कर पाओगे। और विजेट्स भी हमें लेटेस्ट ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, इनको लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे फिलहाल इस रोम के अंदर मिल जाता है। अब बात करें कॉलिंग के बारे में तो कॉलिंग के अंदर वॉल्टी काम कर रहा है, कैरियर वीडियो कॉल का भी बग मिलता है, वाईफाई कॉलिंग काम कर रहा है और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी काम कर रहा है। एंड कॉल रिकॉर्डिंग अलर्ट करता है बट वर्किंग रहने वाला है। अगर हम बात करें ब्लूटूथ डिवाइस की, एयरपोर्ट्स ये सब यूज़ करते हो तो उसमें आपका मीडिया कॉलिंग दोनों पे काम कर रहा है, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। और वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट हमें मिल जाता था, नेटफ्लिक्स हो या फिर अमेजोन प्राइम ये सब पे HD कंटेंट आराम से देख पाओगे। और एंटूटू स्कोर 686,596 है एंड CPU थ्रोटलेट हमें यहाँ पे 93% तक मैक्स परफॉर्मेंस इसकी अभी फिलहाल देखने को मिल जाती है। और जो Geekbench स्कोर है सिंगल पे 969 है और मल्टी के अंदर 3222 जो है देखने को यहाँ पे हमें मिल जाता है। और बूट एनिमेशन दिखा दो एक बार यहाँ पे इसका, जैसे कि फर्स्ट बिल्ड में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं, आगे के बिल्ड्स में जो है जो लेटेस्ट होता है उन्हीं के बारे में बात करता हूँ। तो बूट एनिमेशन भी देख सकते हो कुछ इस तरीके का, ऑक्टावी OS का हमें मिल जाता है तो पहले जैसा ही उसे यहाँ पे मिलता है। एंड जो यहाँ पे इसका ग्राफिक है वो भी देखोगे तो यहाँ पे 90fps का ऑप्शन हमें मिल जाता है क्योंकि सेटिंग में दिया हुआ है, बाकी अल्ट्रा HD तक अनलॉक रहेगा। हम यहाँ पे इस मोर देन 90fps पे ही खेल रहे हैं। एंड गेमिंग की अगर बात करूँ तो गेमिंग भी फिलहाल अच्छी ही मिल जा रही है, गेमिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल फर्स्ट बिल्ड के साथ में, जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाती है और एनिमेशन भी अच्छा रहेगा, इन दोनों में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ चीज़ें जैसे कि मिसिंग है और गूगल फोटो के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज अभी फिलहाल नहीं आता, सेटिंग में दिया गया है बट अभी फिलहाल वो काम नहीं कर रहा है। और नाइट लाइट यानी कि रीडिंग मोड ये आपको देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर, एक्स्ट्रा डिम गायब है अभी फिलहाल, तो नेक्स्ट अपडेट को हो सके तो अगर आप वेट करना चाहो तो कर लेना, आगे के अपडेट में मैं आपको बता दूंगा जब भी जो भी चेंजेस होते हैं अगले अपडेट में वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल फर्स्ट बिल्ड के अंदर ये सारी चीज़ें हमें मिलती है और जो बग थे वो भी आपको यहाँ पे बता दें, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलने वाली हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।